हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अगले ब्लॉग में। और आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट हिमालयन ट्रैक्स की, जो कि बहुत ही बजट फ्रेंडली ट्रैक्स भी है। बिगनर्स भी इन ट्रैक्स को आराम से कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलता है, आपको लगता है ये वीडियो हेल्पफुल है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बिना समय गंवाए चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लिस्ट में पहला नाम है केदारकंठा का, जो कि सभी ट्रैकर्स का ड्रीम ट्रैक होता है। इस ट्रैक के लिए आपको संकरी विलेज आना होगा। इस ट्रैक को करने के लिए बेस्ट सीजन है विंटर, और मात्र 5000 में आप इस ट्रैक को आराम से कर सकते हैं। अगर बात करें डिफिकल्टी लेवल की, तो ये इजी टू मॉडरेट ट्रैक है और 5 से 6 दिन में आप इस ट्रैक को आराम से कर सकते हैं। संदकफू नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे है और इस ट्रैक की शुरुआत होती है दार्जिलिंग से, दार्जिलिंग टू मानेभंजन, देन उसके बाद ट्रैक। इस ट्रैक पे आप साल में कभी भी जा सकते हैं 5 से 6 दिन में, और मात्र 5 से 6 हजार में आप इस ट्रैक को आराम से कर सकते हैं। लिस्ट में तीसरे नंबर पे है वैली ऑफ फ्लावर्स। ये ट्रैक भी बहुत ही परफेक्ट है बिगनर्स और बजट ट्रैवलर्स के लिए। ये ट्रैक चमोली उत्तराखंड में पड़ता है। इसका बेस्ट सीजन है मानसून का। इसकी डिफिकल्टी लेवल है इजी टू मॉडरेट। 5 से 6 दिन और मात्र 5000 के अंदर आप इस ट्रैक को आराम से कर सकते हैं। लिस्ट में चौथा नंबर पे है चोपता चंद्रशिला ट्रैक। यहाँ पे आप चोपता वैली, तुंगनाथ मंदिर जो कि तृतीय केदार है, और चंद्रशिला पीक तक ट्रैक कर सकते हैं। ये ट्रैक इजी है, 4 से 5 दिन में आप आराम से इन सभी प्लेसेस को कवर कर सकते हैं। ये भी ट्रैक बहुत ही बजट फ्रेंडली ट्रैक है। पांचवें नंबर पे है कौड़ी पास। कौड़ी पास ट्रैक जो कि इजी टू मॉडरेट लेवल का ट्रैक है। इस ट्रैक के लिए बेस्ट टाइम है दिसंबर टू मार्च। 5 या 6 दिन की आइटनरी में आप इस ट्रैक को कर सकते हैं। लिस्ट में छठे नंबर पे है हरकीदून ट्रैक। ऐसा माना जाता है कि पांडव इसी रास्ते से स्वर्ग गए थे। ये ट्रैक भी ऑल टाइम फेवरेट ट्रैक है। आप यहाँ कभी भी आ सकते हो, बट विंटर में इस ट्रैक को करने से विंटर में इस ट्रैक को अवॉइड करें। 6 से 8 दिन की आइटनरी के साथ आप इस ट्रैक को आराम से घूम सकते हो। इस ट्रैक को आप मात्र 4 से 5 हजार में आराम से कर सकते हो। तो ये बहुत ही बजट फ्रेंडली ट्रैक है। 7वें नंबर पे है अमता पास। ये ट्रैक स्पीति रीजन में है, तो विंटर में यहाँ पे जाना अवॉइड करें। इसके लिए बेस्ट सीजन है जून टू मिड अक्टूबर। ये ट्रैक इजी टू मॉडरेट लेवल की है और आप इस ट्रैक को 6 से 8 दिन में आराम से कवर कर सकते हैं। रूपकुंड ट्रैक चमोली उत्तराखंड रीजन में पड़ता है और यहाँ जाने का बेस्ट सीजन है अगस्त एंड सितंबर। ये ट्रैक मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का होने वाला है। यहाँ जाने के लिए आपको वेल प्रिपेयर होना पड़ेगा। 9 से 10 दिन की आइटनरी में आप आराम से इस ट्रैक को कर सकते हैं। ये ट्रैक थोड़ा सा एक्सपेंसिव होने वाला है, बिगनर्स के लिए ये ट्रैक नहीं है, तो प्लीज आप इसे अवॉइड करें। 9वें नंबर पे है पंगार चूला पीक। ये ट्रैक भी चमोली उत्तराखंड में पड़ता है। ये ट्रैक भी डिफिकल्ट होने वाला है। इस ट्रैक को मानसून में अवॉइड करें। 6 से 8 दिन की आइटनरी में आप इस ट्रैक पे जा सकते हैं, बिगनर्स इस ट्रैक को अवॉइड करें। रिगुल एक ट्रैक कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये ट्रैक इजी है, बिगनर्स के लिए परफेक्ट ट्रैक हो सकता है। बेस्ट सीजन है मई टू अक्टूबर। 11 नंबर पे है कश्मीर ग्रेट लेक ट्रैक। कश्मीर को धरती का स्वर्ग बोला जाता है।
ये ट्रैक तो बिल्कुल ऑसम प्लेस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट यहाँ जाने के लिए आपको सब कुछ अपने साथ कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि इस ट्रैक पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है। फूड, टेंट, सब कुछ आपको आपके साथ कैरी करना होगा। 8 से 10 दिन की आइटनरी के साथ आप इस ट्रैक पे आराम से घूम सकते हो। लिस्ट में आगे है इंद्रहार पास। ये ट्रैक मैक्लोडगंज हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ये ट्रैक मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल की है। ये ट्रैक भी बजट फ्रेंडली है, तो आप यहाँ घूम सकते हो। लिस्ट में आगे नंबर पे है दियारा बुग्याल ट्रैक। ये ट्रैक इजी टू मॉडरेट है। बेस्ट टाइमिंग इस ट्रैक के लिए अप्रैल टू जून और सितंबर टू अक्टूबर है। ये ट्रैक भी बजट फ्रेंडली है। 14 नंबर पे है दियो टिब्बा बेस्ट ट्रैक। यहाँ आने का बेस्ट सीजन मई टू अक्टूबर का है। ये ट्रैक मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल की है। यहाँ जाने से पहले आपको फिजिकल फिटनेस पे थोड़ा वर्क करना चाहिए। और सबसे लास्ट में है चंद्रखार पास ट्रैक। इस ट्रैक पे जाने का बेस्ट टाइम है जून टू अक्टूबर, और ये ट्रैक मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल की है। 5 से 6 दिन की आइटनरी में आप इस ट्रैक को एंजॉय कर सकते हैं।